अपने फ़ोन के ब्राउज़र पे www.mapofme.in टाइप कीजिए और एंटर करें। वेबसाइट पे साइन अप करें और अपने डिटेल्स दें। लॉगिन करने के बाद आप मेक अ न्यू लाइफ प्लान पर क्लिक करें। 26 स्टेप्स का इंट्रोडक्शन और मॉम आईडी असाइन होने के बाद आप शुरू करें अपनी मैप ऑफ मी की 26 स्टेप्स टू मेक अ न्यू लाइफ प्लान की जर्नी स्टेप 11 यानी लर्निंग हाउ टू ड्राइव से। क्या बात है मिनी, कहाँ से आ रही हो तुम? गुड न्यूज है, रुको। तुम्हें याद है कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था? टडा, आई हैव गॉट वन। अरे वायर, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन तुम्हें ये सब सीखने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पेरेंट्स हैं जो ड्राइविंग करते हैं, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ पे छोड़ सकते हैं। अरे जरूरत कैसे नहीं है? देखो हर्ष, लाइफ में हर चीज की जरूरत होती है। और ये पता है मैंने कहाँ सीखा? www.mapofme.in पे। ड्राइविंग तो सभी को आनी चाहिए, कभी इमरजेंसी हो सकती है, कभी जरूरत पड़ सकती है, अपनी नहीं तो शायद किसी और के लिए। तो ड्राइविंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर किसी को आत्मनिर्भर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मैंने तो सीख ली, चलो ड्राइव पे लेके चलूं तुम्हें। चलो, लेट्स गो। मैप ऑफ मी के 26 स्टेप्स टू मेक अ न्यू लाइफ प्लान में आज हम बात करने वाले हैं स्टेप 11 यानी कि ड्राइविंग के बारे में। दोस्तों, ड्राइविंग सीखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ड्राइविंग आपको प्लेस ए से प्लेस बी तक पहुंचाता है। औरतों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सभी चीजें सीखना, चाहे वो फिर ड्राइव करना हो या टायर का पंचर फिक्स करना। आप सभी ध्यान रखें, इंस्पायर हो और आत्मनिर्भर बने। थोड़ी सी और इंस्पिरेशन के लिए आप जा सकते हैं www.mapofme.in पे और वीडियोस देखें हमारी उबर ड्राइवर सुषमा, ई रिक्शा ड्राइवर सौम्य और छाया और बस ड्राइवर प्रतिमा की। तो दोस्तों, ड्राइविंग सीखने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना चाहिए। नंबर वन, कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो। नंबर टू, एक ड्राइविंग टेस्ट पास करना चाहिए जिसमें आपको रोड्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। नंबर थ्री, आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए, तभी तो आप ड्राइविंग सीख पाएंगे। और नंबर फोर, कि कुछ समय निकालना चाहिए आपको ताकि आप ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आपकी ड्राइविंग की शुरुआत हम आज ही करा देते हैं। अपनी बुलेट जर्नल निकालिए, ड्राइविंग स्कूल को कॉल कीजिए और कुछ चंद सवाल पूछिए। सबसे पहले आप उनसे ये पूछें कि जो लेसन्स हैं वो कितने दिन के होने वाले हैं, इन लेसन्स के क्या चार्जेस होने वाले हैं, क्या कोई वुमेन इंस्ट्रक्टर है जो फीमेल्स को अलग से ड्राइविंग सिखा सकती है, एक बैच में कम से कम कितने बच्चे जो है वो क्वालिफाई करते हैं, और जितने भी इंस्ट्रक्टर्स वहाँ हैं क्या आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है, क्या आप उनसे कुछ सीख सकते हैं। ये सारे सवाल उनसे पूछे और इन सभी सवालों का जवाब जो है वो हासिल करें। तो दोस्तों, आप ग्रुप्स में जाइए और कुछ वर्किंग फीमेल कैब ड्राइवर से बात कीजिए, उनसे पता लगाइए कि ड्राइविंग की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या फायदे हैं ड्राइविंग सीखने के और क्या कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है ड्राइविंग सीखने के लिए। अगर कोई वर्किंग वुमन है तो कैसे ड्राइविंग कर सकती है और क्या उनको सपोर्ट मिला था जब उन्होंने ड्राइविंग सीखने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, दिस वाज इट फॉर टुडे। ये था हमारा आज का एपिसोड ड्राइविंग पर। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे वुमेन इन टेक एंड टेक स्किल्स। सो स्टे ट्यून्ड। टिल देन, मेरे और हर्ष की तरफ से अलविदा।